सब्सक्राइब करें सत्यजीत टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो मिस ना हो पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग का J6 और ये वेरिएंट है यहाँ पे 3/32 का जो मेरे फ्रेंड ने पसंद किया है और इसे यही फ़ोन चाहिए था। तो चला मैं भी क्यों नहीं सोच रहा था कि यार अपने चैनल पे इसकी वीडियो नहीं आई है, तो मैं ज़रा फटाफट जो है इसे अनबॉक्सिंग करके अपने चैनल पे डाल देता हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि इस सेट के बारे में क्या क्या है। और बहुत जल्द ये मैं इसी मंथ में जो है लॉन्च हुआ है बहुत कुछ दिन पहले, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सारी वीडियो भी इसकी आ चुकी है। तो आज जो है मैं इस फ़ोन के बारे में बहुत सारी डिटेल्स आपको बताने वाला हूं और ये फ़ोन जो है बहुत बेहतरीन है। तो चलिए इसे सील ओपन करते हैं। और हाँ भाई, आपसे रिक्वेस्ट है यार, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आ रहे हो ना, प्लीज़ यार चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, 1 रुपये भी आपको नहीं देना है और सिंपल सा आप जिसे सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा ना यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और अपना क्या राय रहेगा इस फ़ोन के बारे में प्लीज़ नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो को ओपन करते हैं, सॉरी इस फ़ोन को ओपन करते हैं और आपको मैं दिखा देता हूँ क्या क्या इस फ़ोन में मिलने वाला। तो सारा ओपन हो गया है, सील मैंने ब्रेक कर चुका हूँ। अब जो इसे ओपन करते हैं, ओ माई गॉड कितनी बेहतरीन यहाँ पर लुकिंग इसकी सेट की आ रही है। तो चलिए इसे निकालते हैं बाहर डब्बे से और इसे करते हैं साइड। तो ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑलमोस्ट ये देखा जाए तो फेस अनलॉक है, फिंगरप्रिंट्स है, बहुत सारे इसकी फैसिलिटी है। तो और यहाँ पे आपको कुछ सेटअप गाइड यहाँ पे दिया गया है, क्विक मेनू जो कि आप इसे यूज़ कर सकते हो। और ओ माय गॉड यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे आपको डुअल लैंग्वेज दिया गया है, एक हिंदी में ही आपको मिल रहा है और दूसरा यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं अलग अलग सर्विस सेंटर की प्रोवाइड की गई है, जो कि आप कहीं भी आप जाके इसे यूज़ कर सकते हो और यदि कोई मैनुअली प्रॉब्लम होता है तो आप वहाँ पर जाके चेस्ट सेटअप करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलता है एक सिम इजेक्टर टूल जो कि ऑलमोस्ट आपको सारी एंड्रॉयड सेटों में आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे इसे साइड करते हैं और कुछ ये जो है यूनिक है, प्लास्टिक छोटा सा प्लास्टिक में दिया गया, साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है एक यहाँ पे सिंपल सा जो कि ऑलरेडी आपको मिलता है हेडफोन। और यहाँ पे आपको दिया गया है एक USB चार्जर, यह USB केबल है, यदि आप टाइप सी होता तो और बेहतरीन होता, लेकिन यहाँ पे आपको मिल रहा है एक थोड़ा सा USB केबल। और यहाँ पे मैं बात करूँ ये चार्जर की, तो चार्जर यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है 1 वोल्ट का, सॉरी 5 वोल्ट का है, 1 एम्पियर का यहाँ पे आपको चार्जर है जो कि फास्ट चार्ज नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल को। तो ये यहाँ पे कुछ मिस पॉइंट है। चलिए इसे साइड करते हैं, वापस से अपने डब्बे में पैक करता हूँ और ये सारा क्विक मेनू को भी साइड करते हैं। और ये जो है ना यहाँ पे इंटरेस्टिंग काफ़ी अच्छी दी गई है कि ये डुअल लैंग्वेज में दिया गया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए बैटरी की बात करें, तो बैटरी यहाँ पे आपको मिलता है जो कि है 3000 mAh का बैटरी है। और कैमरा आपको ऑलरेडी मैं बता दूँ, कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा नहीं है, यहाँ पे डुअल रियर कैमरा नहीं है, 13 MP का है। एक आपको मिलने वाला है जो कि है आपको 8 MP का फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा आपको 14 MP नहीं 13 MP का है। चलिए इसे रैपर को साइड करते हैं और देखते हैं सिम इजेक्टर टूल से कि इसमें शायद हाइब्रिड सिम स्लॉट है या फिर ट्रिपल सिम स्लॉट है, वो तो देखने के बाद पता। और हाँ, इस फ़ोन में जो है ना आपको फेस अनलॉक दिया गया, फेस अनलॉक प्लस पीछे की तरफ आपको तो पता ही कैमरा के नीचे आपको दिया गया फिंगरप्रिंट्स, तो आप जो है दोनों यूज़ कर सकते हो, फेस अनलॉक भी फिंगरप्रिंट्स भी। तो ये जो है यहाँ पे आपको 13,990 में काफ़ी बेहतरीन है, सैमसंग का एक ब्रांडेड फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे आपको ट्रिपल सिम स्लॉट तो नहीं है, बट यहाँ पे आप ट्रिपल सिम स्लॉट इसे मान सकते हो बिकॉज आप इस पर आप डबल सिम भी लगा सकते हो, एक SD कार्ड भी आप इसे लगा के और भी अपनी आपको स्टोरेज को जो है इंक्रीज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे जो है काफ़ी बेहतरीन दिया गया है और मुझे ये फ़ोन जो है काफ़ी ऑलमोस्ट देखा जाए तो हाथ में लेने पर काफ़ी अच्छा लग रहा और इसकी क्वालिटी जो है काफ़ी बेहतरीन है। चलिए इस सेट को ऑन करते हैं और तब तक ये बूट होती है तब तक जो है और इसकी सेट की नोटिफिकेशन जो मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि इस फ़ोन में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप देख सकते हो साइड में यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप डाउन की दिया गया है और ये जो है कैमरा यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया 8 MP का कैमरा है। साइड में यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन की दिया गया है और यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर टूल दिया जाता है। साथ में नीचे की तरफ बात करूँ तो चार्जिंग जैक है, 3.5 mm का ऑडियो जैक है और साइड में स्पीकर है। पीछे की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स है और कैमरा 13 MP विथ फ्लैश के साथ दिया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। ये आपको 3 कलर में आएगा, एक आपको आएगा ब्लू, ब्लैक, दूसरा आपको गोल्ड में। तो चलिए हाथ में लेने में काफ़ी फ़ोन अच्छा लग रहा है, तो चलिए इसे जल्द से जल्द फास्ट फॉरवर्डिंग करते हैं और तब तक इसे सेट होने देते हैं। Here we go. We'll be right back.
सेटिंग कर देता हूँ कंप्लीट डन पूरा। तो अब सबसे पहले जो है ना, मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे नहीं परचेस किया भैया, ये जो है मेरे फ्रेंड ने परचेस किया। और आप पूछोगे कि यार आपने उसे सजेस्ट क्यों नहीं दिया MI के तौर पे या फिर Redmi Note 5 Pro के बारे में, तो मैंने उसे बहुत सारी सेटों के बारे में बताया, लेकिन वो बोल रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सैमसंग ही चाहिए। तो मैं जो हूँ उस क्या कर सकता हूँ। तो चलिए अब जो है यहाँ पे कैमरा सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा की क्वालिटी क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो कैमरा जो है यहाँ पे 13 MP से यदि मैं पिक्चर लेता हूँ तो आप देख सकते हो, एक मैंने पिक्चर ले लिया, काफ़ी फास्ट यहाँ पे पिक्चर क्लिक हो रही है, और ये दूसरा भी मैंने पिक्चर ले लिया। और अब जो है चलिए फोटो को जूम करके जरा देख लेते हैं कैसा क्वालिटी इसका आ रहा है। ओह माय गॉड, काफ़ी बेहतरीन इसकी पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर थोड़ा सा भी जो है ब्लर नहीं आ रहा, फट नहीं रहा पिक्चर का पिक्सल, जो कि काफ़ी बेहतरीन एक 13 MP के उपाय से यदि मैं बोलूँ तो काफ़ी अच्छा नज़रिया यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अब जो है जरा मैं इसका सेटिंग चेक कर लेता हूँ, सेटिंग में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए इसके सेटिंग में चलते हैं, सबको क्लोज करते हैं और अब से स्लाइड किया, सिंपल है भाई, अभी सेटिंग नहीं मिलता है तो साइड से आपको मिल जाता है। अबाउट फोन में जाते हैं और यहाँ पे आपको 32 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो कि आपको 22 GB मिलेगा यूज़ करने के लिए, बाकी आपका जो है वो गेम वगैरह स्टोरेज करेगा। और यहाँ पे मेन बात, आपको एंड्रॉयड वर्सन जो है लेटेस्ट मिलता है जी, एंड्रॉयड वर्सन आपको ऑडियो का दिया गया जो कि 8.1 काफ़ी बेहतरीन है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा जरा देख लेते हैं अपना फेस, और इसको सबसे पहले जो है बाल उल जरा सेट कर लेते हैं भैया। और ये देखो ये सारा फर्स्ट बार ऑन करते समय आता है मेनू, तो चलो बाल जरा सेट कर लेते हैं और एक फ़ोटो लेते हैं और देखते हैं फ्रंट का आगे का 8 MP का क्वालिटी क्या है। तो AI फोकस है और अब ज़्यादा तो मैंने सर्च नहीं किया, तो कुछ अच्छी क्वालिटी है, उतनी कुछ खास है नहीं, तभी देखा जाए तो क्वालिटी जो है कुछ बेहतरीन है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए, बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।